नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आज फिर हाजिर हुए हैं कोरोना अपडेट की रिपोर्ट के साथ। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से चल रही जंग में रीवा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। रीवा में तेजी के साथ गिरे पॉजिटिविटी दर के बाद एक और राहत की बात यह है कि अब संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा भी पूरी तरह से नीचे आ गया है। दरअसल सोमवार को कोरोना कर्फ्यू के अंतिम दिन कोरोना संक्रमण से एक भी मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह 2 माह के बाद पहला दिन है जब कोरोना संक्रमण से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, जो कि अब रीवा के लिए बेहद ही राहत की बात है। दरअसल रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच सोमवार को 14 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं मौतों के आंकड़े में 2 महीने के अंतराल में पहला ऐसा दिन सामने आया जब किसी की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में अप्रैल और मई महीने में हर दिन मौतें हुई हैं। यहां 15 अप्रैल के बाद से मई के पहले सप्ताह तक लगातार मौत के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। 31 मई यानी कल कोरोना कर्फ्यू का आखिरी दिन रहा है। इस दिन सबसे कम मरीजों की संख्या सामने आई है। सोमवार को हेल्थ बुलेटिन रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कुल 1458 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से महज 14 लोगों में ही संक्रमण पाया गया है, जिसकी पॉजिटिविटी दर अब महज 1% पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि रीवा के शहरी क्षेत्र में 2, गोविंदगढ़ में 4, नई गढ़ी में 1, गगेओ में 3, रायपुर करचुलियान में 1, मऊगंज में 2, हनुमना में 1, जबकि त्योंथर और सिरमौर में यह संख्या 0 रही है। इधर सोमवार को कोरोना संक्रमण से 127 लोग स्वस्थ घोषित किए गए हैं, जिसके साथ ही अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 329 हो गई है। वहीं कोरोना के कठिन दौर में जन भागीदारी से संचालित जेपी कोविड केयर सेंटर में मरीजों की सेवा में तत्पर नागरिक मंच टीम के स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जमकर सराहना की है। पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके मरीजों के डिस्चार्ज होने पर उन्होंने कहा कि यह प्रयास प्रेरणादायी है। सोमवार को यहां स्वस्थ हुए 9 लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस से रवाना किया गया है।